तो दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। हमारे बेबी किचन चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज आपके लिए बहुत ही अच्छी एक खास बात लेकर आई हूँ, कटहल काटने की एक तरीका, कटहल कैसे काटते हैं ये देखिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए जैसे कटहल हैं, हमारी माता बहनें सोचती हैं कि बाजार से कटा कटा ले आते हैं तो आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कितना आसान है कटहल काटना और छीलना, इसलिए साबुत लेकर आइए और अपने घर पर अपने साफ हाथों से काटिए। अगर हम बाहर से कटा हुआ लाते हैं तो पता नहीं कैसे कैसे हाथ लगे होते हैं, कितने दिन का कटा होता है, मक्खी मच्छर बैठते हैं। और अब देखिए कटहल काटते हैं कैसे, ये देखिए। ये सरसों का तेल हमने रखा हुआ है और ये चाकू। सबसे पहले क्या करते हैं, हम थोड़ा हाथों पर तेल लगा लेते हैं, सरसों का तेल अच्छे से लगा लेते हैं ऐसे, और थोड़ा चाकू पर भी लगा लेते हैं, क्योंकि इसका जो दूध निकलता है, इसका एक पीप होता है चिपचिपा, वो हाथों पर चिपक जाता है, इसलिए पहले तेल लगा लेते हैं ताकि हमारे हाथों पर इसका पीप नहीं चिपके। अब हम कटहल काटते हैं, ये देखिए कैसे। ऐसे चाकू रखिए और इसके अंदर ऐसे घुसा दीजिए। ऐसे घुसाने के बाद इसके अंदर इसको ऐसे, ये देखिए, ऐसे घुमा देते हैं इसको। और ये देखिए कितना आसान है कटहल काटना, देखने में लगता है कि मुश्किल है लेकिन बिल्कुल भी नहीं। और एक आम चाकू जिससे हम सब्जी काटते हैं, ऐसे इसके दो पीस बना लेते हैं और ऐसे अच्छे से, ये देखिए ऐसे जोर लगाइए, एकदम से दो हो जाते हैं। ये देखिए पहले इसके दो पीस बनाते हैं, अब इसके छोटे पीस कैसे बनाने हैं, इसको ऐसे उल्टा रखिए। अब देखिए एकदम ऐसे नहीं छीलना, इसमें हमारा हाथ कट सकता है, इसलिए इसके छोटे छोटे पीस बना लेते हैं पहले, ऐसे। ऐसे छोटे छोटे पीस बना लेते हैं और ये देखिए ऐसे काट लेते हैं जैसे हम मतीर काटते हैं। और अब देखिए इसको ऐसे बीच से फाड़ देते हैं, ये देखिए कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं। ये देखिए ऐसे पहले इसके पीस बना लेते हैं, अब ऐसे पीस बनाने के बाद अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़े छील लेते हैं ऐसे, देखिए कितना आसान है। ये देखिए ये कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल आसान, लेकिन देखने में ऐसे ही लगता है कि मुश्किल है। ये देखिए अब इसके छोटे छोटे पीस बना करके हम थाली में रख लेते हैं, देखिए है ना कितना आसान। जी हाँ, कटहल साबुत लाइए और आसानी से काटिए और बीमारी से बचिए। अगर बाज़ार से कटहल लाते हैं दो तीन दिन काट करके रख लेते हैं, वो ख़राब होता है। और देखिए सारा ऐसे ही काटना है, ऐसे छोटे पीस बनाने पहले फिर काटना। और देखिए हमारे हाथ भी बिल्कुल गंदे नहीं होंगे, कि दूध में गंदे हो गए या हमारे हाथ चिपचिपे हो गए। ये देखिए थोड़ा सा तेल लगाने से हमारे हाथ भी एकदम साफ सुथरे, ऐसे सारा काट लेते हैं, ठीक बिल्कुल आसान। और हम बनाने की रेसिपी भी बताएंगे, हमारे चैनल पर बने रहिए। अगली वीडियो हम कटहल की सब्जी बनाएंगे। अरे देखिए ये देखिए कितना आसान, और जितना बनाना है उतना ही काटिए, साबुत लाइए, बाकी आप फ्रिज में रख दीजिए। और देखिए आज हमें इतना ही बनाना है, इसलिए आज हम इतना ही काटते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय माता दोस्तों।